रूस और नेटो के बीच महायुद्ध आरंभ होने जा रहा है। पुतिन ने नेटो को खत्म करने की युद्ध नीति बनाई है और पुतिन अब अंतरिक्ष में एटमी धमाका करने वाले हैं। क्रेमलिन के आदेश पर रूसी वैज्ञानिक स्पेस में एटम बॉम्ब प्लांट करने जा रहे हैं। अंतरिक्ष में रूस का एटमी ब्लास्ट नेटो के खिलाफ होगा। ये खबर जैसे ही सामने आई, अमेरिका ने संकटकाल का ऐलान कर दिया और इसी के साथ ही रूस से परमाणु युद्ध लड़ने की तैयारियां भी तेज कर दी। सवाल यही है कि आखिर पुतिन ने अंतरिक्ष में परमाणु धमाका करने का मन क्यों बना लिया है? रूस के शिप पर जो हमला हुआ है उसका परिणाम बहुत ही भयावह होने जा रहा है। नेटो की मदद से यूक्रेन ने रूसी युद्धपोत को जिस तरह से डुबाया है उसका अंजाम बहुत विनाशक होने वाला है। रूसी युद्धपोत पर आक्रमण तीसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा है। इस एक हमले से रूस और नेटो में वहां जंग छिड़ने का खतरा बहुत बढ़ गया है। नेटो देशों को तबाह करने के लिए पुतिन ने अंतरिक्ष में परमाणु हथियार बिछा दिए हैं। पुतिन सेना स्पेस से नेटो के खिलाफ परमाणु युद्ध कैसे छेड़ेगी इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि रूस सबसे पहले किस नेटो देश पर आक्रमण करने जा रहा है। सेना के टारगेट पर फिनलैंड है और रूसी फौज जल थल और नभ से इसी देश पर सबसे पहले हमला कर सकती है। फिनलैंड रूस का पड़ोसी देश है। पिछले साल ही फिनलैंड नेटो में शामिल हुआ था और इसके बाद से ही पुतिन फिनलैंड पर भड़के हुए। क्रेमलिन फिनलैंड पर इसलिए भड़का हुआ है क्योंकि फिनलैंड के नेटो सदस्य बनने के साथ ही नेटो की पहुंच रूस की सरहदों तक हो गई है। यही वजह है कि अब रूसी सेना फिनलैंड पर आक्रमण करने जा रही है। इस बात की आशंका उस वक्त बढ़ गई जब रूसी नौसेना ने फिनलैंड की खाड़ी के पास विध्वंसक युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। रूसी नौसेना इस वक्त बाल और बैशन मोबाइल कोस्टल मिसाइल सिस्टम से हमले की प्रैक्टिस कर रही है। सवाल यह है कि आखिर इन घातक हथियारों से रूस वॉर ड्रिल क्यों कर रहा है? बाल मिसाइल सिस्टम में चार लॉन्चर लगे हैं। इनमें 64 KH-35 एंटी शिप मिसाइलें फिट होती हैं। ये मिसाइलें 250 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को खत्म कर देती है। बाल मिसाइल सिस्टम एक साथ 32 एंटी शिप मिसाइल फायर करने का मादा रखता है। बाल मिसाइल सिस्टम से कहीं ज्यादा घातक है बैशन मिसाइल सिस्टम। ये याकोन सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल से लैस है। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। इससे जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल भी फायर की जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बैशन मिसाइल सिस्टम सिर्फ 5 मिनट में हमले के लिए तैयार हो जाता है। यह दुश्मन के वॉरशिप, बैटल ग्रुप और लैंडिंग क्राफ्ट को पल भर में ध्वस्त कर देता है। यह 600 किलोमीटर तक लंबे कोस्टल एरिया की सुरक्षा करने में सक्षम है। मतलब ये कि दोनों मिसाइल सिस्टम रूसी नेवी के मुख्य हथियारों में से एक है। अब रूस इन्हीं घातक हथियारों से फिनलैंड पर धावा बोलने की तैयारी कर चुका है।
रूस ने फिनलैंड पर हमला किया तो जाहिर है नेटो देश चुप नहीं बैठेंगे, वो भी रूस पर आक्रमण करेंगे। यहीं पर पुतिन और उनकी सेना का असली विनाशक खेल शुरू होगा। नेटो के हमलों को रोकने के लिए, उनके हथियारों को तबाह करने के लिए क्रेमलिन बहुत ही घातक कदम उठाने जा रहा है। पुतिन के आदेश पर उनके वैज्ञानिक अंतरिक्ष में परमाणु बम बिछाने जा रहे हैं ताकि महायुद्ध की स्थिति में नेटो के अस्तित्व को समाप्त किया जा सके। तो पुतिन के आदेश पर रूस के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में एटम बम बिछाने जा रहे हैं। ये एटम बम यूरोप के ऊपर आसमान में बिछाए जाएंगे। सवाल यह है कि आखिर रूस इतना विनाशकारी कदम क्यों उठाने जा रहा है। दरअसल पुतिन और उनकी सेना अब अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो से आर पार की जंग लड़ने के मोड में आ चुकी है। अंतरिक्ष में तैनात किए जा रहे रूसी परमाणु बम के टारगेट पर नेटो देश होंगे। रूस अंतरिक्ष में परमाणु धमाका कर नेटो की सैटेलाइट्स के साथ साथ मिलिट्री कम्युनिकेशन नेटवर्क को ध्वस्त कर देगा। इतना ही नहीं, नेटो सेनाओं के टारगेटिंग सिस्टम को भी तहस नहस करने की तैयारी है। रूस का ये वही विध्वंसक कदम है जिससे अमेरिका समेत पूरे नेटो के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा संकट मंडराने लगा है। पुतिन के इस कदम के बाद अमेरिका समेत नेटो देशों में खलबली मच गई है। सबसे ज्यादा टेंशन में अमेरिका और ब्रिटेन है। सीएनएन ने अपनी रिपोर्ट में जो दावा किया है उसके मुताबिक रूस जो कर रहा है उससे अमेरिका की बादशाहत खत्म हो जाएगी। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक रूस का स्पेस में एटम बम बिछाना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पुतिन के खतरनाक कदम के बाद अमेरिका ने खुद घोषणा की है कि वो अब तक के सबसे बड़े राष्ट्रीय खतरे का सामना कर रहा है। अमेरिकी एनएसए जेक सुलिवन ने कहा है कि दुनिया में कई तरह के खतरे और चुनौतियां हैं जिनसे हम हर दिन निपट रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन जो भी निर्णय ले रहे हैं वो अमेरिका की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। रूस की तरफ से बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका ने भी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने का फैसला किया है। पेंटागन ने हर महीने 1,00,000 शेल बनाने का ऑर्डर दे दिया है। ब्रिटेन नेटो देशों को दर्जनों चैलेंजर टैंक भेज रहा है। इतना ही नहीं, रूसी सीमा से सटे नेटो देशों में 1,000 बंकर बनाए जाएंगे ताकि जरूरत पड़ने पर रूस के खिलाफ इन बंकरों का इस्तेमाल किया जा सके। बाइडेन के बंकर प्लान की जानकारी पुतिन के पास जैसे ही पहुंची, उन्होंने न सिर्फ नेटो देशों से लगती सीमाओं पर सेना की तैनाती बढ़ा दी बल्कि नेटो के इस कदम से निपटने की रणनीति भी बना रहे हैं। मतलब ये कि तैयारी दोनों तरफ से है। वो वक्त दूर नहीं जब रूस और नेटो में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।